नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन के मोहल्ला सराय में भूपेंद्र सिंह लांबा की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, जिसे रात के समय टिंकू पुत्र रामपाल निवासी मोहल्ला सराय ने दुकान की दीवार की ईंटें निकालकर और गोदाम का जंगला निकालकर लगभग 30 कुंतल गेहूं चोरी कर लिया, जिसकी जानकारी भरत भूषण पुत्र घनश्याम अनुज पुत्र जगदीश निवासी मोहल्ला सराय ने दी। उन्होंने दुकान स्वामी को बताया कि उन्होंने टिंकू नामक व्यक्ति को दुकान के आगे गेहूं और चावल ले जाते देखा था। पीड़ित ने कोतवाली में तहरी देकर कार्रवाई की मांग की है। मैं दवाई लेने के लिए बाहर गया हुआ था और मैं जब आया, मेरी उंगली में इन्फेक्शन हुआ था, उंगली कटी हुई है मेरी, इसकी मैं दवाई लेने के लिए गया हुआ था और आकर के देखा मेरा कम से कम 60 क्विंटल के करीब राशन, मेरे राशन की दुकान और पास में गोदाम है, उसमें दोनों में से मेरा राशन निकाल लिया। गोदाम की खिड़की फाड़ी और राशन की दुकान की वो ईंटें फाड़ के ऊपर को निकाल लिया राशन। कम से कम मेरा 1.25 लाख रुपए का नुकसान है। पुलिस में तहरीर पुलिस में मैंने तहरीर लिख के दे दी है जी, और कार्रवाई है तो पुलिस वाले आने वाले, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं आपके पास। लगभग कितना बोरी गई है आपकी? लगभग ये मान के चलो 60 क्विंटल, 120 बोरी करीब, 120 कट्टे।